ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। यह बातें याद रख लो, कभी भी आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। चाहे आपके हालात कितने भी खराब हो, आप किसी भी सिचुएशन में फंसे हो, आपका कभी भी कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा इतना सा है कि मुझे हर बार कुछ नेगेटिव कमेंट्स मिलते आए हैं कमेंट्स बॉक्स में कि बहुत दिनों से हमारे साथ तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, अभी तक तो हमारे साथ कुछ अच्छी चीज़ें घटित हुई नहीं है। पहले बहुत अच्छा चीज़ें चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म होने लग गई हैं। हम आर्थिक रूप से बहुत टूट गए हैं, हम फैमिली में कई सारी तकलीफें हमारे साथ हो रही है, हमारी शिक्षा एजुकेशन में हम अच्छा नहीं कर पा रहे। मतलब जितनी सारी परेशानियाँ जिन्हें मैं गिनाऊँ शायद कम है, वो सभी परेशानियों से हम जूझ रहे हैं। तो आप कोई भी परेशानी से जूझ रहे हैं वर्तमान में, तो ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो की बातें आपके लिए हैं। और इन बातों पर अगर आप काम करेंगे तो आपको ग्रहों के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगी और चीज़ों से आप बाहर आएंगे दोस्तों। और इसके साथ एक और चीज़ है कि इन चीज़ों को आप भी प्रैक्टिकल तौर पर करें, इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा मिला है और आपको भी फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन उससे पहले एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ, वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें। और अगर ये वीडियो कहीं भी कुछ अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अपनी कुंडली का एनालिसिस अगर आप करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, और व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं दोस्तों। उसका फीस, उसका शुल्क लागू है। सबसे पहली बात कि जब भी कभी कुछ भी चीज़ें नेगेटिव वे में जाए या खराब हालातों में जाए, तब हमें नेगेटिव नहीं होना है। हम भारतीय मानव, हम सामान्य मानव बहुत जल्दी नकारात्मक वे में चले जाते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, इतने सारे प्रश्न जो हमें रात भर सोने नहीं देता है। तो ये चीज़ें कभी ना करें। आप किसी भी परेशानी में नकारात्मक ना हो, नेगेटिव होने से खराब ख्याल आते हैं, खराब ख्यालों से हमारा व्यवहार में वो एक परिवर्तन आ जाता है और हम जो चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते थे वो भी नहीं कर पाएंगे। तो पहला बात जिसे याद रखना है, आपको पॉजिटिव और पॉजिटिव रहना है। दूसरी बात, जो लोग नेगेटिव फैलाते हैं उनसे भी दूर रखना है, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं उनसे भी दूर आपको रखना है। तीसरी, कि कभी भी कोई भी परेशानी के सोल्यूशन में आप खुद स्वयं ही उसको सीखे, समझो और आगे बढ़े, दूसरे के ऊपर न ढोलें। एक आदत होती है कि ये कर देगा वो, कोई नहीं करेगा, आपको तो उस चीज को समझे और आगे बढ़े। आप महिला है, पुरुष है, कोई भी हो, आप ये खुद कर सकते हैं और आप इससे बाहर निकल सकते हैं। चौथी बात है कि कोई परेशानी हो उसे शिव को अर्पण कर दे कि हे भोलेनाथ, मेरी ये परेशानी और मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, कर रही हूँ, आप इसका सोल्यूशन दे, रास्ता निकाले, और ईश्वर का जप आप कंटिन्यू करें, ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दें। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत कम समय में बहुत जल्दी ही ईश्वर अपने कर्म साथ में करते रहे। इसका ये मतलब नहीं कि आप शिथिल बैठ जाएं,